हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और मैं शैलेन आज फिर से आपके सामने लाया हूँ साइबर क्राइम से रिलेटेड एक वीडियो। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि मैं आपको एक वर्ड बोलूँगा। जी हाँ, मैं आपको अभी एक वर्ड बोलूँगा, और जितने भी रसिया किस्म के आदमी हैं, जी हाँ रसिया जो वर्ड है ये स्पेशली यूपी में बहुत चलता है, मैं नोएडा में रहता हूँ तो मुझे इसका मीनिंग पता है। जितने भी रसिया किस्म के आदमी हैं उनकी, जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूँगा तो उनके शरीर के अंदर एक सनसनाहट सी आने वाली है। जी हाँ, और ये वर्ड क्या है अभी बोलता हूँ, तसल्ली कर लो अभी बोलता हूँ भाई, अभी बोलता हूँ। अब रसिया क्या होते हैं पहले मैं बता दूँ। रसिया होते हैं वो कि जो लड़की को देखा और बस फिसल गए, लड़की ने बुलाया तो दौड़ के चले गए, लड़की ने जरा सी लिफ्ट दे दी तो उसकी गोदी में जाके बैठ गए, ऐसे लोगों को बोलते हैं रसिया। जी हाँ, तो ऐसे जो रसिया लोग हैं उनको अगर एक लड़की ये वर्ड बोल दे, वो क्या बोल दे, वीडियो कॉल पे आओ ना। जी हाँ, आजकल जो फ्रॉड चल रहा है उस चक्कर में अगर कोई लड़की ये बोल दे एक लड़के से कि वीडियो कॉल पे आओ ना, तो तुरंत से दिमाग का चक्का घूमता है और सोचता है आहा, अब लड़की वीडियो कॉल पे आएगी, अब मज़ा आएगा, अब लड़की से खूब प्यारी प्यारी बातें करेंगे, और बातें करते करते उससे गंदी संदी भी बातें करेंगे, और फिर उससे बोलेंगे अपना कपड़ा उतारो और कुछ दिखाओ। ऐसे होता है ना, जितने ठरकी और सनकी और रसिया किस्म के आदमी हैं वो मेरी इस बात से नाराज़ भी हो रहे होंगे और मन में ये भी सोच रहे होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं केस बताने वाला हूँ ये जो केस है ये होता ही ऐसे लोगों के साथ है। अगर आप ठरकी नहीं होंगे, आप रसिया नहीं होंगे, तो आपके साथ इस तरीके के जो केसेस हैं वो नहीं होंगे, और अगर हो रहे होंगे तो आप कभी भी पूरी तरीके से ठगे नहीं जाओगे, आप फंसोगे नहीं। तो अब केस क्या है, एक नोएडा के ही हमारे यही नोएडा के ही एक लोग हैं, उनका मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने बताया कि, यहाँ पे मैं उनका कुछ भी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसी चीज़ों में किसी की इन्फॉर्मेशन देना समझदारी नहीं होती है। उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया हाय करके, और उस मैसेज में लिखा था कि आप कैसे हैं। मैंने आंसर दिया मैं अच्छा हूँ, आप कौन हैं, तो बोली कि अगर मेरे बारे में जानना है तो बस मैं इतना ही बताऊंगी कि मैं तुम्हारी एक पुरानी फ्रेंड हूँ और वीडियो कॉल पे आओ ना। जी हाँ, वीडियो कॉल पे आओ ना। तो इनका कहना ये था कि सर मैं जैसे ही मैंने ये वर्ड सुना ना कि वीडियो कॉल पे आओ ना, तो मैं तो वैसे ही गीला नीला हो गया, मतलब मुझे तो ये वर्ड ही इतना प्यारा लगा कि मेरा तो शरीर ही बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस इश्क खुद ही दावत दे रहा है कुछ ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धड़ से कॉल लगा दी उसको। अब यहाँ पर जो न्यू वीडियो कॉल के स्कैम होते हैं उनमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा आपसे मोबाइल नंबर आपका मांगता है, फिर आपको कॉल करता है, और फिर आपका वीडियो स्क्रीन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से वो पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, फिर आपको भेजता है, और फिर आपको धमकाया जाता है कि ये जो न्यूड वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो के दौरान जो सामने कॉल चल रही होती है उसमें लड़की जो होती है वो न्यूड हो चुकी होती है, और कहीं ना कहीं मजे मजे में वो आपको भी न्यूड करवा ही देती है, और उस स्क्रीन को रिकॉर्ड करके तब आपको भेजा जाता है, और फिर ब्लैकमेल आपको किया जाता है कि अगर आपने 10,000 रुपये भी नहीं दिए तो ये जो वीडियो है जिसमें आपका चेहरा दिख रहा है वो हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जितने भी ये प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब पे वायरल कर देंगे। अब आदमी डर जाता है तो सोचता है कि यार 10,000 रुपये दे के खानी ख़त्म करूं तो बच जाएंगे। तो इनके साथ जो था वो कुछ सिलसिला ऐसा ही था, बट इनके में क्या था कि क्योंकि उसने बोला था कि वीडियो कॉल करो ना, तो इन्होंने धड़ से लेके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल उसको मिला दी। अब जैसी उसको मिलाई तो सामने एक स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था, या आप कहें कि वो सामने एक लड़की थी जो पहले तो कपड़ों में थी, और जैसे ही इन्होंने उसको देखा वो बोले अरे मैं तो आपको नहीं जानता, तो बोली कि आप मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ, जान लीजिए। तो इनको बड़ा मज़ा आने लगा, इन्होंने क्या किया उससे बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस लड़की ने अपने कपड़े उतारे और प्यार मोहब्बत की बातें करते करते इनसे भी अपने कपड़े उतरवा दिए। अब इतना सा पूरा स्क्रीन में जब रिकॉर्ड हो गया तो वो लड़की इतनी चालू थी कि जो वीडियो था जब वो रिकॉर्ड करती थी तो वो खुद कपड़े पहने रहती थी, और जब इनके कपड़े उतरे तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया।
और इनको वो वीडियो फिर बाद में भेज दिया गया। अब जैसे ही इनके पास वीडियो आया तो इनकी हालत तो ख़राब, इनकी जो हाथ की नसें थीं वो फूल के हाथ के बराबर हो गईं, क्योंकि अब गलत काम तो हो गया, उस वक्त तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अब इनका दिमाग अब इनका घूमा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि डिमांड आ गई कि अगर आपने अभी 21,000 रुपये नहीं दिए तो जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब पे आपका वीडियो भेज दिया जाएगा, और साथ ही साथ इनको स्क्रीनशॉट भेज दिए गए कि देखो इन इन प्लेटफॉर्म पर हमने 50% आपका वीडियो अपलोड कर भी दिया है। अब तो इनका क्या था, बुरा हाल था, नसें फूल के पूरा पानी का पाइप हो गई थी, दिमाग फटने लगा था, समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि अब करना क्या है। तब इन्होंने नेट पर सर्च किया कि वीडियो कॉल स्कैम करके कुछ भी डाला होगा, तो इनको फिर वहाँ से मेरा वीडियो मिला। जब इनको वहाँ पे मेरा वीडियो मिला तो इन्होंने जब वीडियो मेरे कई सारे देखे तो इनको समझ में आया कि ये तो स्कैम होता है। तब इन्होंने मेरे तब इनका कहना था कि मैंने सर आपके ऑलमोस्ट सभी वीडियो देख डाले, और तब इनको मेरा एक नंबर मिला जो कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में दे रखा है, वहाँ से इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया और कॉल किया और मैसेज किया। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनको पूरा बताया सब चीज़ें, इनकी जितनी क्वारी थी वो उनकी क्वारीज के आंसर दिए, तब जाके इनको तसल्ली हुई कि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसमें मेरे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। क्योंकि जो केस इनका था ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने इनको बोला कि आपके साथ जो केस हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, क्योंकि कॉल आपने की है और सामने लड़की आपके साथ लाइव थी। क्योंकि बहुत सारी वीडियो में ये होता है कि समटाइम्स लड़की लाइव नहीं होती है, वहाँ पर ऑलरेडी एक स्क्रीन पर वीडियो ही चल रहा होता है जो आपको लगता ऐसा है कि वो सामने लड़की ही न्यूड हो रही है, रियल लड़की न्यूड हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वहाँ पर एक वीडियो चल रहा होता है। तो मैंने कहा आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर अगर आपको दोबारा से कोई धमकी देता है कि आपका वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया गया है, आप मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप इस लिंक पर देख लीजिए आगे, तो आप मेरे को ज़रूर बताना, मैं उस वीडियो को श्योरिटी देता हूँ कि वहाँ से डिलीट जरूर करवा दूंगा और आपका मैं वीडियो वायरल नहीं होने दूंगा। इवन दो गलती इनकी थी, और ऐसे बहुत सारे ठरकी और मैं कहूँगा कि रसिया किस्म के जो लोग होते हैं उनके साथ इस तरह की गलती होती है, वो फ्रॉड में फंसते हैं, बट फिर भी मेरा काम ये है कि आप लोगों को इस जंजाल से बाहर निकालना। तो मैंने इनको इस बात की श्योरिटी दी है कि अगर आपके साथ इस तरह से कोई भी आपकी वीडियो का लिंक भेजता है कुछ भी और आपको बोलता है, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपका वीडियो अगर कोई वायरल कर रहा है तो वो आपको एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करेगा और आपको एटलीस्ट एक बार तो लिंक जरूर भेजेगा कि हमने आपका ये वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। तो जैसे ही आपके पास लिंक आता है आप तुरंत से मेरे को कॉल करना, मुझे बताना, मैं इमीडिएट बेसिस पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वो वीडियो होगा तो मैं डिलीट करवा दूंगा। इतनी मैंने उनको एश्योरिटी दी है। और फिलहाल की बात करें, आज जिस दिन तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तक तो अभी उनका मेरे पास कॉल नहीं आया, बट अगर उनका कोई कॉल आता है, उनका वीडियो कोई वायरल होता है, तो इस बात की श्योरिटी है कि मैं उनका वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा दूंगा, सो दैट कि एक सोशलिटी में, एक समाज के अंदर उनकी कोई बेइज्जती ना हो, क्योंकि उनको इस बात का ऑलरेडी एहसास था कि उनसे गलती हो चुकी है। जिसको इस गलती का एहसास हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो समझदार बंदा है। तो गाइज, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, होप सो कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको आगे इस तरीके के वीडियोस देखने हैं, इस तरह से चीज़ों को जानना है कि साइबर क्राइम पे जो फ्रॉड होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। और हाँ, जिन लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो मेरे कुछ वीडियो हैं मैंने अभी डाले हुए हैं पीछे कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से, उन पर थंबनेल लगा हुआ है, उन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मिल जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।